उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिकारपुर में अपने पिता के जेल जाने से परेशान पीड़ित भाई बहन ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना जीवन यापन, शिक्षा, खाना पीना और पिता की जमानत की गुहार लगाई। महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से जब बुलंदशहर प्रशासन को समस्या के समाधान करने के निर्देश आए तो अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुँच समस्या का जायजा लिया। हालात कुछ और निकले, लेकिन मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रशासन अब तारीख का इंतजार कर रहा है। शिकारपुर क्षेत्र में ये बेटी और भाई अपने पिता के जेल जाने से परेशान है। इसकी मां का देहांत हो चुका है, रिश्तेदार बुआ देखभाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस बेटी ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि वो और उसका भाई भुखमरी के कगार पर है और शिक्षा का भी कोई साधन नहीं हो पा रहा। साथ ही पिता जेल में है, जिनको फर्जी तरीके से फंसाया गया, उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही। पत्र पर महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और बुलंदशहर प्रशासन के माध्यम से जब खुर्जा प्रशासन इस बेटी के घर पहुंचा, तो अधिकारियों की टीम ने इससे इसके हालात जाने जांच करने गई या कार्रवाई या मदद करने पहुंचे। बेसिकली ऐसा हुआ है कि एक पूर्वा शर्मा नाम की 14-16 वर्ष की लड़की है, जिसने कहा कि जिसने एक बहुत ही द्रवित पत्र लिखा था महामहिम जी को, ये कह के कि उन्हें खाने पीने में दिक्कत है, भीख मांगने की हालत आ गई है और उनके पिता को एक झूठे केस में फंसाया गया है और उन्हें मदद चाहिए और संरक्षण चाहिए। तो आज अफसरों की एक टीम उस परिवार से मिलने गई, क्योंकि अगर वो बुलंदशहर की बेटी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बच्चियों का, उसके साथ उसकी दो और बहनें हैं, एक भाई और एक बहन है, का प्रशासन उन्हें उनकी जिम्मेदारी ले। जो टीम गई थी उसमें मैं जो एसडीएम खुर्जाओं के अलावा एसडीएम शिकारपुर, साथ में जिला प्रोबेशन कार्यालय से अधिकारी, एबीएसए, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज और प्रिंसिपल आईटीआई से लोग आए थे और हम लोग सब वहां गए थे ये जानने कि उनकी समस्या क्या है और प्रशासन उन्हें किस प्रकार से मदद कर सकती है। हम लोगों ने उनसे 3-4 उन्हें पेशकश रखा उनके सामने। पहला कि अगर उन्हें खाने पीने की दिक्कत है तो हम उन्हें ग्राम संरक्षण कमेटी के अंतर्गत, जिला संरक्षण कमेटी के अंतर्गत उन्हें हम मदद करें, उन्हें संरक्षण दिया जाए, जिन्हें उन लोगों ने ठुकरा दिया। वो बोली कि रिश्तेदार उनकी देखभाल कर रहे हैं और उन्हें जिला से संरक्षण नहीं चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने उन्हें कहा कि अगर उन्हें पढ़ाई की दिक्कत है तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय और जो उससे रिलेटेड CIF है उन सब में उनकी दाखिला कर दी जाए, जिस पे भी वो तैयार नहीं हुई। वो बोली कि वो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रही हैं और कुछ हद तक फीस भी माफ़ है और रिश्तेदार उनका ख्याल रख रहे हैं। तीसरा सवाल पूछा गया कि अकेले भूखे मरने की स्थिति तो नहीं है। इस पे उनका यही था कि हमें को प्रशासन से किसी प्रकार का आर्थिक मदद नहीं, हमें बस इतना मदद चाहिए कि हमारे पापा को बेल दिला दो। एसडीएम ईशा प्रिया का कहना है कि जब उनसे खाने और भोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिश्तेदार मदद कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा के बारे में भी बताया कि रिश्तेदार द्वारा मदद की जा रही है, लेकिन हालात पिता के जेल में होने से और माता के न होने से बच्चियों के गंभीर हैं और बच्ची चाहती है कि पिता को जमानत मिल जाए, जिस पर अधिवक्ता से संपर्क साधा गया और बताया गया कि अगले महीने शायद जमानत होने की संभावना है। Time24 न्यूज के लिए खुर्जा से शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।